हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तन्नू, आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज ब्रेड रोल्स। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब है हमारे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए ब्रेड, 2 मीडियम साइज बॉइल्ड आलू और चॉप्ड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में हम ले सकते हैं गोभी, गाजर, मटर, पत्ता गोभी, अदरक और एक कटी हरी मिर्च। मसालों में हमें चाहिए 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून खटाई, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हरा धनिया और वेजिटेबल ऑयल तलने के लिए हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे और सारी वेजिटेबल्स को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप अनियन भी डाल सकते हैं स्टफिंग में, अनियन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए, मैंने सारे वेजिटेबल अच्छे से मिक्स कर ली हैं। आप स्टफिंग में स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं और अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखिए, सारे मसाले डाल दिए मैंने। मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। ये हमने धनिया पत्ते भी डाल दिए। देखिए स्टफिंग कितने अच्छे से मिक्स हो गई है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अब हम ब्रेड ले लेते हैं और ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। ये देखिए, मैंने पानी का बाउल ले लिया है और हम ब्रेड को पानी के बाउल में डिप करेंगे। ये देखिए, ब्रेड को मैंने डिप कर दिया है पानी में। ये ब्रेड अच्छे से डिप हो गई है। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे और ब्रेड को अच्छे से बाइंड कर देंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने बाइंड कर दिया है ब्रेड को और ये हमारा ब्रेड रोल रेडी है। ये देखिए कितना अच्छे से रेडी हो गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम ब्रेड रोल को प्लेट में रख देंगे और ऐसे ही सारे ब्रेड रोल्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ब्रेड रोल को प्लेट में रख दिया है। ये देखिए, सारे ब्रेड रोल्स रेडी हो गए हैं। अब हम ब्रेड रोल्स को फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने वेजिटेबल ऑयल ले लिया है फ्राई करने के लिए। ये हमारा ऑयल गरम हो रहा है। ऑयल को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। अब चलिए हम ब्रेड रोल्स फ्राई करते हैं। ये देखिए, मैंने डाल दिए हैं ब्रेड रोल्स और हमारे ब्रेड रोल्स फ्राई हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये मैंने सर्व कर दिए हैं केचप और हरी चटनी के साथ। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।